पहुंच गए। तो कहाँ हम आज लोग? आज हम लोग हैं बराबर में, जो बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। पर आप इस जगह के नाम पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, एकदम जाना ही नहीं है। ये जगह बिल्कुल भी बराबर या समतल नहीं है। सच बात तो ये है कि इस नाम के जस्ट अपोजिट है। नाम बराबर है लेकिन है पूरा उबड़ खाबड़। बेसिकली बराबर जो है उसमें कन्फ्यूजन है। बराबर और वानाबर दो नाम है जिसके बीच में लोगों का कॉन्ट्रडिक्शन होता है। अब उस एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। इस जगह के बारे में जो बहुत प्रचलित बात ये है कि यहाँ पे 7 गुफाएं हैं जो मानव निर्मित सबसे पुराने रॉक कट केव्स में से एक है। और इन केव्स की खासियत क्या है वो अब बाबा बताएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सुनेंगे जो शायद आपके होश उड़ा दे और आपको शायद पता भी ना हो। और वो बात उस अवार्ड से जुड़ी हुई है जो शायद इंडिया कभी जीत नहीं पाता। नॉमिनेशन में जाता लेके जीत नहीं पाता। वही सही पकड़ा, जो ऑस्कर वही जो गली बॉय जीत नहीं पाया। चलिए फिलहाल बाबा की बात सुनते हैं, देन विल गो टू दैट थिंग। ये सर गुफा 245 ईसा पूर्व के बना हुआ है। अशोक सम्राट अपना शासन काल में 4 गुफा काटे हैं सर। ये दुनिया का पहली गुफा है जो सुदामा है, 252 BC है। और बाहर से देखिएगा सर दिस लुक लाइक आपको क्रोकोडाइल है। और जो ग्लासिन है जो सब अशोक समय का है सर। ओकरे बगल में लोमस सी गुफा है सर, ये 241 BC है। दिस इनकम्प्लीट है सर। बाहर में लकड़ी के काट के पत्थर के नमूना बनाया है, जो एलिफेंट है, स्तूप है सर, क्रोकोडाइल है। और वहाँ लिपि आपका मुखरी है सर, इनकम्प्लीट भीतर में है। तीसरा गुफा है कर्ण चौफाल, जो 245 ईसा पूर्व के बना हुआ है। बाहर से देखिएगा तो भेल मछली के तरह है सर। और जो ग्लासिन है जो सब अशोक समय का है। जो भी यहाँ लिपि आपका है जो सर आपका मौजूद है, जो आपको यहाँ शंख लिपि है, ब्रह्मी है, मुखरी है, क्रोटी, पांचों पंथियों की लिपि है सर। एक नॉवल है जिसका नाम है अ पैसेज टू इंडिया, और उसे लिखा था ईएम फॉस्टर ने ईयर 1924 में। और उसी नॉवल पे निर्धारित एक मूवी भी आई थी, उस मूवी का भी नाम है अ पैसेज टू इंडिया। और उस नॉवल का क्या कनेक्शन है इस पर्टिकुलर जगह से ये भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं उस मूवी की इस जगह से कनेक्शन की। मूवी में एक जगह का जिक्र हुआ है जिसको मालाबार केव्स कहते हैं। मालाबार केव्स कोई और जगह नहीं बल्कि यही बराबर की गुफाएं हैं। जब इयन फॉस्टर ने वो बुक लिखी थी तो बुक में उन्होंने इस जगह का मेंशन किया था। और जब मूवी शूट हुई तो अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि मूवी शूट यहाँ नहीं हुआ था। मूवी शूट हुआ था साउथ इंडिया के किसी लोकेशन में और उस सेट को रेडी किया गया था। सबसे बड़ी बात क्या है कि मूवी बनी बिहार के मालाबार केव्स के ऊपर और अवार्ड भी ले आई, एक नहीं दो नहीं तीन। The winner is Peggy Ashcroft in A Passage to India. वर्ल्ड के सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर्स अपने नाम की। अब सच बात तो यह है कि इस पे हम खुश हो या दुखी हो हमें समझ नहीं आ रहा। इस बात का क्लैरिफिकेशन हमें कैसे मिलता है कि ये जो मूवी है वो बिहार पे बेस्ड है, क्योंकि मूवी में एक लाइन का जिक्र किया है जिसका नाम है कौवा डोल। कौवा डोल। और जब भी आप बराबर केव्स आएंगे तो आपको यहाँ पे एक पहाड़ी दिखेगी जिस पहाड़ी का नाम है कौवा डोल। और अक्सर जब लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको ये पहाड़ के बारे में पता होता ही है। और जब आप मूवी देखेंगे तो आपको सब समझ में आ ही जाएगा। दो इवन जो बुक है ईएम फॉस्टर की, बुक के कवर पे भी जो इमेज है उसे भी काफी हद तक रेप्लिका दिखाया गया है इसी केव का, जो मेन केव है बराबर केव का। तो ज्यादा जानकारी के लिए बेटर है आप मूवी देख लो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब ये तो रही इस जगह से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ, लेकिन अगर हम यहाँ आए हैं शूट करने स्पेशली 100 किलोमीटर स्कूटी चला के, तो जाहिर सी बात है कुछ तो इसमें इम्पोर्टेंट होगा ना। और अगर ये जगह में कुछ खास बात नहीं होती तो ईएम फॉस्टर साहब ऐसे ही इस जगह को अपनी किताब में एक अहम हिस्सा नहीं बनाते। सच बात तो ये है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। मतलब अगर बुक की बात से अगर आपको मैं बताऊं तो सच में यहाँ पे चट्टानी पहाड़े जो हैं, एक पर एक चढ़ी चट्टाने, उसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है यानी कि वर्ल्ड का सबसे ओल्ड कट मैन केव जो यहाँ पे है, और पहाड़ के ऊपर एक बहुत खूबसूरत सी मंदिर भी है जो हमें दिखाई दे रही है, जो जाने के लिए एक बहुत जबरदस्त सीढ़ी है, उसके बगल में एक तालाब भी है जो अभी रेनोवेशन पे चल रहा है। तो हम कहते हैं कि सर अब कितना बोले यार, सिंपल सी बातें, अब शॉर्ट सीन दिखा देते हैं। तो चलिए शॉर्ट्स देख लेते हैं। चलिए बाय बाय।